देख सकते हैं कैसे चलेगा। इस तरह से बच्चा हम कभी भी नहीं देखेंगे, देख सकते हैं इसको सिर्फ 3 ही पैर है और ये देखिए कितना छोटा पैर है। देखो बहुत ही मतलब अंदर से फीलिंग आता है, पता नहीं क्या क्या था पिछले जन्म में, इस तरह से भगवान दिया 3 ही पैर पर कैसे चलेगा। कल ही तो इस दुनिया में यार इस तरह से जो मेहमान आया था कैसा था, एकदम पूरा हम लोग को अजीब लग रहा था, क्या ही बताऊँ आप लोग को, अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि एक टांग जो था ना उसका मतलब पूरा मतलब एक टांग छोटा था और उसको चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है ना। सो दोस्तों देख सकते इतना काम हो चुका है, आप लोग को दिखाता हूँ, देख सकते इतना काम हो चुका है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइस सुबह की अभी 7:30 बजे है, देख सकते आप लोग 7:30 बजे रहे सुबह की, और हम पूरा नहा धोवा के एकदम पूरा फ्रेश हो चुके हैं। और जैसे कि कल आप लोग को बताया था कि मेरा घर में थोड़ा काम वगैरह, जैसे कि हम लोग का सपनों का घर जो बन रहा है ना, थोड़ा काम वगैरह रुक गया, इसलिए काम नहीं हो रहा है अभी ठीक से बराबर। आप लोग को दिखाते कि कहाँ तक काम हुआ है, क्योंकि काम बराबर तो नहीं हो रहा है, क्या ही बताऊँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है काम आने में, क्योंकि रात में इतना बारिश वगैरह देने लगता है ना कि क्या ही बताऊँ। आप लोग को दिखाता हूँ कितना एकदम भीगा हुआ है अभी, देख सकते हैं बहुत भीगा, और रात में बारिश वगैरह देने लगता है और पूरा एकदम जैसे कि पन्नी से ढकना पड़ता है, क्योंकि अगर ढकेंगे नहीं तो जितना बना हुआ रहता है ना पूरा एकदम भीग जाता है, और भीगने के बाद एकदम काफ़ी एकदम वो हो जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है, कुछ भी मतलब दोबारा उसको बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, और थोड़ा मिस्त्री भी नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। दिखाते हैं आप लोग को कहाँ तक काम हुआ है। तो चलते अभी हम थोड़ा छत पे जाने के बाद देखते हैं, अभी थोड़ा सुबह की 7:30 बजे है, इसलिए थोड़ा छत का भी थोड़ा, क्योंकि अभी भी ना झारखंड में थोड़ा थोड़ा ठंडा है, इसलिए थोड़ा अभी जाएंगे छत पे, थोड़ा धूप वगैरह सेकेंगे, क्योंकि अभी भी थोड़ा थोड़ा ठंडी है, उतना नहीं है, और सुबह सुबह थोड़ा ठंडी लगता है। चलते अभी छत, भाई सब तो दोस्तों फाइनली हम अभी छत पे आ गए, देख सकते हैं आज तो धूप भी नहीं उगा है, क्योंकि रात में थोड़ा थोड़ा बारिश दे रहा था इसलिए धूप वगैरह नहीं उगा है, क्योंकि नहीं तो इतना सुंदर लगता था ना धूप उगने के बाद। और गर्मी का टाइम है ना, उतना भी धूप ना इंसान को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि गर्मी इतना गर्मी लगता है ना धूप उगने के बाद, इसलिए गर्मी का टाइम में धूप उतना भी अच्छा नहीं लगता इंसान, और क्या ही बताऊँ आप लोग को, इतना मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाहर में भी रहते थे थोड़ा टेंशन आता था, और घर में भी थोड़ा वैसा ही, थोड़ा क्या ही बताओ, आने के बाद घर द्वार बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, देखते हैं कहाँ तक जाते फिर बना, क्योंकि अभी तो YouTube से मेरे को कुछ भी अभी हासिल नहीं मिला, और थोड़ा बहुत मेरा व्यूज जाता है, इसलिए अभी तो घर में नहीं रह सकते, कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या, देखते तो यही छोटा सा मेरा छत है, और आप लोग को दिखाता हूँ कहाँ तक काम हुआ है पीछे के कमरे से। और दोस्तों ये सब जो ईटा दिख रहा है पकाया हुआ, ये सब सपनों का घर में ही लगाएगा, और जैसे मैं अभी ब्लॉग ही बना रहा था, देख सकते कितना अच्छा सूरज भगवान उग चुका है, काफ़ी एकदम मस्त लग रहा है, देख सकते कितना एकदम पूरा पक्का एकदम लाइट से एकदम मस्त लग रहा है। चलते आप लोग को दिखाते हैं कहाँ पे हमारा एकदम कितना काम हुआ हुआ है, तो आप लोग को दिखाते। सो दोस्तों देख सकते इतना काम हो चुका है, आप लोग को दिखाता हूँ, देख सकते इतना काम हो चुका है, और अभी थोड़ा मेरे को जाना है उधर खेत के तरफ जाना है, क्योंकि थोड़ा सुबह सुबह हवा लगाना सही रहता है, क्योंकि वॉक में जाना है मेरे को सुबह सुबह भी। तो आप लोग को ब्लॉग शुरू से एंड तक रहना है, देखते हैं क्या ही स्पेशल रहता है ब्लॉग में, तो आप लोग को शुरू से एंड तक देखना है ब्लॉग को, तो चलते हैं अभी थोड़ा खेत की तरफ जाएंगे। सो दोस्तों फाइनली हम खेत के तरफ आ चुके हैं, और सुबह की अभी 7:30 बज चुके हैं, और देख सकते हैं कितना एकदम मस्त धूप उग चुका है, आधा घंटा हुआ है और कितना मस्त धूप उग चुका है, और देख सकते पूरा एकदम बहार वगैरह एकदम पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि देख सकते चैता वगैरह उधर कितना लोग समेट रहे हैं, चैता वगैरह पूरा एकदम अभी वो गेहूँ का टाइम है ना, वही गेहूँ अभी समेट रहा है, देख सकते पूरा बहार वगैरह खाली, उधर मशीन लगा हुआ है, देख सकते एक भी मतलब चैता वगैरह नहीं है, थोड़ा बहुत है वो भी उठा लेगा, और अभी थोड़ा गर्म भी लग रहा है, होगा तो थोड़ा देर रहेंगे उसके बाद चले जाएंगे, क्या हुआ तो, क्योंकि गर्मी भी थोड़ा अब लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गर्मी का ही अभी टाइम है, थोड़ा बहुत थोड़ा देर यहाँ पे रहेंगे उसके बाद चले जाएंगे अभी घर। तो देखते हैं अभी दिखा देता हूँ आप लोग को कैसा है हमारा मतलब छोटा स्टेप, घर से वही थोड़ा दूर में ही है, तो
तो दोस्तों फाइनली मैं अभी घर जा रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि थोड़ा गर्मी भी लग रहा है और थोड़ा साउंड वगैरह बज रहा है गांव में, क्योंकि गांव में हमारा पूजा है इसलिए थोड़ा साउंड वगैरह बज रहा है, इसलिए ब्लॉग बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है तो वो पूजा आप लोग को कल का ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आज पूजा है इसलिए कल का ब्लॉग में आप लोग को ज़रूर देखने के लिए पूजा मिलेगा। तो चलते हैं अभी घर, क्योंकि थोड़ा अभी गर्मी भी काफ़ी हो चुका है, थोड़ा गर्मी भी लग रहा है, गर्मी का टाइम तो है ही इसलिए थोड़ा गर्मी लग रहा है, क्या ही बताओ बहुत गर्मी लग रहा है, क्योंकि सुबह का टाइम है फिर भी गर्मी लग रहा है। एक बैग एकदम सूरज भगवान उग चुका है इसलिए थोड़ा गर्मी लग रहा है, देख कितना एकदम कड़क उग चुका है और काफ़ी गर्मी लग रहा है। तो चलते हैं अभी घर, देखते इधर से हम लोग जाएंगे। और दोस्तों मैं फाइनली मैं अपना घर आ चुका हूँ और देख सकते हैं हमारी सृष्टि तुरंत मेरी गोद में आ गई, देख सकते हैं आते देरी तुरंत एकदम मेरी गोद में आ गई और बहुत एकदम अभी खोज रही थी मेरे को कि मेरा पापा कहाँ गए हैं, देख सकते काफ़ी मतलब एकदम खोज रही थी मेरे को, है बोल दो अरे देखो बहुत शरारती है एकदम ये देखो। और दोस्तों देखिए सृष्टि के पापा आए खेत की तरफ से और कुछ काम कर रहे, देख सकते हैं आप लोग हमारी मम्मी जी और देखिए खोल रहे हैं, मतलब कि फल जो दिए थे और देख सकते हैं हमारे बाबू भी है। और जो ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मतलब कि हमारे गांव में जो एक मंदिर है वहाँ मतलब कि भंडारा है, इसके कारण कि देखिए बाजा मतलब गाना बज रहा है और आवाज़ भी आता है। और दोस्तों सुबह और मतलब कि सुबह सुबह हम लोग मतलब कि सृष्टि पापा ही आज ब्लॉग बना रहे थे और हमको थोड़ा काम था और मतलब मिस्त्री भी आने वाला, गाना भी बज रहा है, मतलब बहुत ही दिक्कत होता है यहाँ ब्लॉग बनाने में और गाना की वजह से आवाज़ भी ठीक से नहीं आता है और हमको थोड़ा काम और पोछा मारना, क्योंकि आज भंडारा है तो भी मंदिर तरफ चले गए सकते हैं। इससे हमारी सृष्टि खा रही है, उसकी दादी खिला रही है और सृष्टि का पापा काम कर रहे हैं। मतलब गए थे खेत तरफ मतलब फोन लेके नहीं जा पाए, भूल रहे हैं और वहाँ से आए तो वो मतलब काम कर रहे हैं, उसके बाद काम करके थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर मिस्त्री भी आ जाएंगे तो फिर घर के काम में लग जाएंगे मतलब उधर ही। और जैसे सृष्टि पापा मतलब बताए होंगे कहाँ तक इतना सा वो मतलब कि यहाँ भी ढलाया उसको क्या कहते हैं अलमारी, यानी कि देख कुछ सामान वान रखने के लिए, तो उतना सा ही हुआ आगे मतलब आज आगे लिंटर तक हो जाएगा तो वही खोल रहा है मतलब मिस्त्री खोल, थोड़ा सा तो कम करके रखना पड़ेगा और दीवार सब में पानी मतलब कि अभी देगा, उसके बाद फिर मिस्त्री आएगा तो फिर काम करेंगे बना लेते हैं। उसके बाद फिर आज मंदिर तरफ ही जाना है क्योंकि मंदिर में आज भंडारा है, इसलिए मतलब गाना बज रहा है जिसके कारण आवाज़ भी नहीं आ, मतलब ब्लॉग बनाने में बहुत ही दिक्कत होता है, इसलिए हम सुबह सुबह ब्लॉग भी बना रहे हैं क्योंकि शाम तक हमेशा शोर शराबा होता रहता है, कभी बच्चा तो कभी गाना तो कभी कुछ, हमेशा काम भी रहता है तो इसलिए। और दोस्तों मतलब क्या बताएं, मतलब कि मेरे यहाँ बकरी का जो मतलब बकरी था बहुत सारा, हम दिखाए थे कि बकरी था और मतलब देखिए हमारे सृष्टि रोने भी लगी, मतलब उतना सारा बकरी था मतलब कि एक मतलब बकरी बच्चा मतलब कि एक बच्चा दिया तो मतलब बहुत ही अजीब है, मतलब पहले कभी ऐसा बच्चा नहीं देखे, हम दिखाते हैं आप सबको तो इसको भी दिखाएंगे, देखिए मतलब बहुत ही अजीब है जैसे मतलब दिखाएं आप सबको मालूम पड़ेगा क्या है उसमें। तो दोस्तों देखिए यही है बकरी का बच्चा, देख सकते हैं आप लोग और बताए मतलब अजीब है, तो देखिए इसमें क्या है देख सकते हैं, मतलब इसको तीन पैर, एक पैर जो बहुत छोटा है देख सकते हैं आप लोग, इतना छोटा है इसका पैर, देख सकते हैं कैसे चलेगा इस तरह से बच्चा, हम कभी भी नहीं देखेंगे, देख सकते हैं इसको सिर्फ तीन ही पैर है और ये देखिए कितना छोटा पैर है, हम लोग को बहुत ही अजीब लग रहा है कैसे चलेगा, देख सकते हैं आप इस तरह से भगवान बनाता है पता नहीं, देख बहुत ही मतलब अंदर से फीलिंग आता है पता नहीं क्या क्या था पिछले जन्म में इस तरह से भगवान दिया, एक तीन ही पैर पर कैसे चलेगा, कल ही तो मतलब इस दुनिया में यार इस तरह से कितना तो क्यूट बच्चा है, फिर भी देखिए पैर ने सब अच्छा है पर इसका एक तो पैर जो नहीं है ना मतलब कि बहुत ही मतलब
सकते, बहुत ही मतलब उसको देखते तो बहुत ही मतलब अजीब लगता है इस तरह से। मतलब कितना सुंदर है, देखिए कितना प्यारा आ रही है, लेकिन मतलब उसका पैर जो मतलब नहीं है तो चलने में उसको बहुत दिक्कत होता है, मतलब दूध भी पीता है तो मतलब गिर जाता है, मतलब एक ही बच्चा, मतलब बकरी का सिर्फ एक ही बचाती है बकरी, तो इसका मतलब ऐसे आदमी सबका भी लग रहा था, आदमी सबको बोल सकता है, मतलब क्या बात, उसको इतना सब चीज़ दिया है मतलब सरकार, मतलब कि लग रहा था, लेकिन इसका क्या ये कैसे चलेगा, ये जो है जानवर इसको भगवान मतलब इस तरह से बना दिया है, देख सकते हैं कितना तकलीफ होता होगा इसको, कितना छोटा बच्चा है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है, पैर के वजह से इसको बहुत ही तकलीफ होता होगा, जो उसको उसकी मम्मी पास दे देते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे कि आप लोग को दिखाई दिया कि हमारा घर का जो मेहमान आया था कैसा था, एकदम पूरा हम लोग को अजीब लग रहा था, क्या ही बताऊं आप लोग को, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक टांग जो था ना उसका मतलब पूरा मतलब एक टांग छोटा था और उसको चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है ना जी, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है उसको चलने में, इसलिए थोड़ा हम लोग को अंदर से अजीब फीलिंग हो रहा है, भगवान कैसे उसको बना के भेजा है हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं है। और देख सकते हैं मतलब कि हम लोग को ब्लॉग बनाने में ना काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ना यहाँ हमारा यहाँ पूजा हो रहा है, थोड़ा बजा वगैरह लगाया हुआ है, इसलिए थोड़ा काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है ब्लॉग बनाने में, शोर शराबा हो रहा है और साउंड एकदम काफ़ी आप लोग को तो सुनाई देता होगा, काफ़ी एकदम हो रहा है साउंड, है ना, बहुत हो रहा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ, आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक कर देना, क्या ही बताऊँ आप लोग को, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना।